अरे अमृतकाल कहेगा अमृतकाल तरीके से युवा बेरोजगार है, तुम बेरोजगार है, तुम्हारा सर्टिफिकेट तुमने पसंद नहीं कर रहे, तुम एक बना रहे न्यूज का, हमारे हम कहाँ जाएंगे हमारा सर्टिफिकेट लेके, तुम तो न्यूज बना रहे, हमारा प्रधानमंत्री बोलते स्किल है, बाद में बोलते चाय बेचो, हम सर्टिफिकेट लेके कहाँ जाएंगे, ठेकेदारी बंद, लाइसेंस बंद करो उनका, हमको डायरेक्ट नौकरी दो, उनको काय को 800 दे रहे, ठेका मत दो, क्योंकि भारत में एक ही आदमी करोड़पति होता है, ठेकेदार करोड़पति होता है, बाकी सभी भिखारी बनने वाले है भारत में आने वाले, सब कॉलेज बंद करने वाले, हम क्या करेंगे, हम वो सर्टिफिकेट लेके वो कटोरे में लेके बढ़ेंगे, सरकार हमको दो, सरकार क्या करेंगे, ठेकेदारी पद्धति के ठेके वाले को पेमेंट देंगे, भारत में ऐसा होना है, बस आश्वासन देंगे, बस आश्वासन हो जाएगा, दो दिन में हो जाएगा, तीन दिन में हो जाएगा, अरे पूरा साल निकल जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, नई कुर्सी बिठा लेंगे, वही राजा बैठ जाएगा, प्रजा गई भाड़ में। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, मेरे पीछे आप बैनर पोस्टर देख सकते हैं, ये प्रदर्शन चल रहा है रेलवे का, रेलवे के जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम विसंगतियां हैं रेलवे में, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम युवा हैं जो अलग अलग राज्य से आए हैं और रेलवे में इनकी भर्ती नहीं हुई, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सर, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं 2005 में 10वीं पास हुआ और 2007 में ITI किया, 10वीं पास का एग्जाम दिया, सर्टिफिकेट है मेरे पास, ITI का एग्जाम दिया, बाद में रेल ने रेल अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के हिसाब से भर्ती निकाली, हमारा मेडिकल हुआ, मेरिट में नाम आया, बाद में हमारा सिलेक्शन में याद ही नहीं नाम आया, सिलेक्शन में नाम आया, फिर रेल मंत्रालय क्या करती है, रेल से काम करवाने के लिए अपेंटिस की भर्ती निकालती है, जो युवा है उसके रेल अपेंटिस के थ्रू सिर्फ काम करवाती है 7,000 में, आज मैं भारत में नौकरी नहीं दे रही है, सिर्फ ट्रेनिंग करके बाहर छोड़ दे रही है, जैसा कि उनका मतलब निकल जा रहा है, क्योंकि आने वाली सरकार सब प्राइवेटीकरण कर रही है, अभी देखो तुम तेजस रेलवे प्राइवेट में, वंदे भारत निकल गई, सभी स्टेशन प्राइवेट में गए, तो मैं आज 36 साल का उम्र का एक आदमी हूँ और मेरे दो लड़की है, वो पढ़ाई करेंगे तो उनको कहाँ जाएंगे बताओ तुम, ना होना ही। 2014 से बीजेपी सरकार आई, जब से फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत में कितने तुमको बताओ, मेरे को तो मालूम नहीं, 2014 से अभी तक फैक्ट्री की वैकेंसी निकली नहीं, नवा टैकेट की निकली नहीं, सिर्फ अपेंटिस के नाम पे रेलवे से ट्रेनिंग करवाती है, रेल अपेंटिस युवा से पर बेरोजगार है, पर हम सर्टिफिकेट क्या करेंगे, भारत में घुमाएंगे क्या सर्टिफिकेट, ठीक है, अरे अमृतकाल कहेगा अमृतकाल, युवा बेरोजगार है, तुम बेरोजगार है, तुम्हारा सर्टिफिकेट तुमने पसंद नहीं कर, तुम एक बना रहे न्यूज का, हमारे हम कहाँ जाएंगे हमारा सर्टिफिकेट लेके, तुम तो न्यूज बना रहे, हमारा हम क्या जाएंगे, ITI सर्टिफिकेट के कुर्ता लेके जाएंगे, वाह सभी तो ठेकेदारी बदल कर दिए, रेलवे अभी अभी, अभी प्रधानमंत्री जी ने 508 ट्रेनों का कल्याण किया है, देखिए कायाकल्प किया, कल्याण किया है, सही है तुम्हारा बोलना, पर हमारा ट्रेनिंग करके मैं 2013 से घर पे है, पर हम ट्रेनिंग करके DOPT गाइडलाइन ने मंत्रालय को कहा है कि भाई डायरेक्ट जो ट्रेनिंग करवाती है उनको स्थायी नौकरी दो, क्योंकि हम ITI पास है, रेल अपेंटिस पास है, प्रैक्टिकल हो गया है, और कितना एग्जाम देंगे हम, एग्जाम देगा बूढ़ा हो जाएगा, अमृत भारत का जो है स्टेशन बनने जा रहा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने 508 जो है स्टेशनों की शुरुआत की है, जिसमें अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत हुई है, सीए तुम्हारा अमृत भारत योजना सिवाय सभी प्राइवेट में जा रहे ना, हम कहाँ जाएंगे, हम नौकरी किसके मारेंगे, ठेकेदार को दे देंगे, ठेकेदार गवर्नमेंट ठेकेदार को 800 पे 800 के हिसाब से पेमेंट देती है, लेबर को 500 के हिसाब से देती है, और ठेकेदार क्या करता है, 250 के हिसाब से काम करवाती है, 62 उम्र वाले से काम करवाती है, बिन शिक्षित लोगों से काम करवाती है, इसलिए अस्से हो रहे रेलवे में, कोई रेलवे नीचे गिर रही है, कोई बंगाल में गिर रही है, क्यों गिर रही है, हम शिक्षित आदमी ट्रेनिंग होके घर पे बैठे हैं ना, चलो ठीक है उद्घाटन कर रहे हैं, पर हमारा कहाँ जाओ, हम हमारा कहाँ उद्घाटन होने वाला है, हम सर्टिफिकेट लेके घर पे बैठे हैं, फिर हमारा भी सोचना पड़ता है, हमारा भी युवा का रेल अपेंटिस का सभी का उद्घाटन करो, सर्टिफिकेट देके उनको स्थायी नौकरी दो DOPT गाइडलाइन से। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो योग्य होगा उसे योग्यता के आधार पे काम मिल जाएगा, सही है तुम्हारा सही है, 2013 में 2005 में ITI किया, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता, स्वरोजगार मंत्रालय के सी डेवलपमेंट, हमको सर्टिफिकेट दिया है, हमने ITI एग्जाम पास हुए, प्रैक्टिकल पास हुए, बाद में
बाद में रेल रेल क्या करती है, भर्ती निकालती है अपेंडिक्स की, वहाँ भी हमारा स्किल के ऊपर हमको सिलेक्शन होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल होता है, ऊपर से ट्रेनिंग 2 साल करवाती है रेलवे हमारे से, वहाँ हर 6-6 महीने में अलग अलग वर्कशॉप में काम करवाती है। क्यों करवाती है? हमको स्किल बनाती है। क्यों बनाती है? स्किल जब भारत में जब आपातकालीन सिस्टम आती है, जब मालूम है जब जिस टाइम में कारगिल के टाइम में आए थे, जब जो जो कौन सा आर्मी है टीरोडिल आर्मी में 2-2, 3-3 साल करवाती थी, उनको डायरेक्ट उठा देती थी, पर हमको भी उठाओ ना, हम भी तो ट्रेनिंग वाले। प्रधानमंत्री ने कहा स्किल इंडिया मेक इन इंडिया, फेक है। मैं बोलता है सही है, तुम्हारा सही है, प्रधानमंत्री बोलते हैं स्किल है, बाद में बोलते चाह बेचो, हम सर्टिफिकेट लेके कहा जाएंगे? ठेकेदारी बंद, लाइसेंस बंद करो उनका, हमको डायरेक्ट नौकरी दो, उनको काय को 800 दे रहे, 800 के हिसाब से महीने का पेमेंट कितना हो रहा है, 800 के हिसाब से महीने का पेमेंट तुमको मालूम है? वही पेमेंट हमको डाले, हमको ज्वाइनिंग दो ना, जैसा जैसा पासवान ने किया था, जैसा लालू ने संसद में पास किया था, संसद में बाद में पासवान ने अपेंडिस को दिया था, लालू सदन में लालू प्रसाद यादव ने बोला था, जब मुख्यमंत्री थे उनने बोला ठेकेदारी बंद करो, डायरेक्ट ट्रेनिंग वालों को भर्ती करो, ठेकेदार को ठेका मत दो, क्योंकि भारत में एक ही आदमी करोड़पति होता है, ठेकेदार करोड़पति होता है, बाकी सभी भिखारी बनने वाले है भारत में आने वाले, सब कॉलेज बंद करने वाले, तुम भी बंद करने वाले, ये भी सही बोलता, तुम सिर्फ न्यूज लेंगे बस, हम क्या करेंगे, हम वो सर्टिफिकेट लेके वो कटोरे में लेके बढ़ेंगे, सरकार हमको दो, सरकार क्या करेंगे, ठेकेदारी पद्धति से ठेके वाले को पेमेंट देंगे, हम क्या जाएंगे, सब कॉलेज भी बंद करने वाले। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया में सब चंगा सी, क्या चंगा विंगा कुछ नहीं भाई साहब, सब बेरोजगार पड़े हुए हैं यहाँ पर। मोदी जी चंगा कहते थे, चंगा कहते थे, हम काय को आते थे जंतर मंतर में, हम भी तो भारत के नागरिक है, किसलिए आ रहे हम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम अर्जुन मोलंकर, मैं भुसावल से रहने वाला, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, और मैं 2013 से बेरोजगार हूँ, और मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर भेजा है उनका, ओसी मेरे पास है, ओसी भी मेरे पास है उनका, प्राइम मिनिस्टर को भेजा, महाराष्ट्र मंत्रालय को भी भेजा है उनका, ऑलरेडी मेरे पास ओसी है, मैंने यहाँ लाया नहीं है, फाइल में घर पे रखा है, मैंने हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे उनको बताने का काम किया था, जब जलगांव में उनकी सभा भरी थी उस टाइम सर्टिफिकेट लेके गया था, प्राइम मिनिस्टर का जो आई कार्ड रहता है अपना अंतरिक्ष कार्ड मैंने रजिस्टर किया था उनका, ओसी मेरे पास है, मेरा पूरे जीवन का था, मैंने उनको भेजी है, अभी तक उत्तर मिला नहीं मेरे को उसका, वो मैंने 24 घंटे काम करती है, ठीक है चलो 24 घंटे काम करती है, किस लिए काम करती है, पब्लिक के लिए क्या नहीं, भारत में आप ही के लिए काम कर रहे हैं, तुम काय को बोल रहे, हमको तुम भारत में काम करती है, पर हमारे लिए करती ना, पर हमारे लिए काम है यार, काम उनका काम है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किस लिए आती है, फिर सिर्फ वोटिंग के लिए आती है, हमारा हक के लिए मांग। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मन की बात जान लेते हैं, कुछ नहीं जानते, कभी भारत में प्राइम मिनिस्टर ने कभी बोला कि रेल अपेंडिस युवा आओ मेरे पास बैठो, तुम्हारे मन की बात बताओ, मैं तो ट्विटर के माध्यम से, मेरा बड़ा भाई बता रहा है, बहुत दिन से 8 साल पिछले साल भी आया था मैं इधर, पिछले साल भी आया था इधर जंतर मंतर में, वो बताने के लिए, जब तो सरकार नहीं थी, 2014 में आई थी सरकार, हम वही तो काम बताने के लिए आए ना, क्या आपने ज्ञापन दिया? दिया, एक ज्ञापन दिया है, सब दिया है, 31 जिलों तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन क्या, लेखी में बस रिसीव मिलता है, बस रिसीव देके भारत में क्या मालूम है, भारत में ऐसा होना है, बस आश्वासन देंगे, बस आश्वासन हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, अरे पूरा साल निकल जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, नई कुर्सी बिठा लेंगे, वही राजा बैठ जाएगा, प्रजा गई भाड़ में, पब्लिक भी गई भाड़ में, बस हमको हवा होना है, घूमना होना, बस आप अभी जो है स्टेज पे स्पीच देते देते भावुक हो गए, ऐसा क्या कारण है कि युवा जो है रो रहा है? मैडम मैं भावुक इसलिए हुआ, मेरी 36 उम्र है, सैंडल में ही जाएगा, राज्य में गया, मेरी उम्र नहीं है अभी नौकरी के लिए, मैं मेरे आने वाली पीढ़ी जो मेरा युवा है, जो रेल अपेंडिस है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन, कोई भी क्षेत्र का शिक्षण रहो, भारत में सभी ठेकेदारी पंद्री है और सभी युवा घर पे बैठे हैं, इसलिए मैं भावुक हो गया, क्यों आने वाला जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, म्यांमार में हो रहा है, वैसा होने वाला है, क्यों कि सभी लोग कॉलेज के सर्टिफिकेट लेके घर पे बैठने वाले हैं, क्यों बैठने वाले, सभी प्राइवेट में जा रहा है ना, प्राइवेट क्यों दे रहे, काय को दे रहे उसको 800 रुपए, काय को दे रहे, 1 करोड़पति बन रहा ना, अरे भारत का जो युवा है तुमको वोटिंग कर रहा, उनको नौकरी
रुपए लगाओ ना, वही पेमेंट उसको दो ना, उनका चार बच्चे पेट भरेंगे। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी, लगातार कहते हैं युग पुरुष है वो। युग पुरुष क्या है मैडम जी? युग पुरुष कब होता है? जब किसी को रोटी दो टाइम का खाना दे उसको कहा जाता है युग पुरुष है। यहाँ पर अब ये सब स्टेट के मतलब ऑल इंडिया से रियल अप्रेंटिसशिप आए हुए हैं, वो इसके लिए आए हुए हैं कि हमको दो वक्त की रोटी पंतप्रधान जी माननीय रेलवे मंत्री जी ये प्रोवाइड करके दे, तो वो युग पुरुष कहलाएंगे, नहीं तो ऐसा कैसे कहलाएंगे। हम लोग अभी 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, मतलब 2014 से यहाँ पे हम लोग धरना दे रहे हैं, रेल मंत्रालय को घेराव दिया था, हम लोग को जेल में डाला हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है, मुंबई में भी लाठी चार्ज हुआ है हमारे साथ, और उस टाइम भी हम लोग को ऐसे ही आश्वासन दे के घर भेजा। वैष्णो रेल मंत्री है, उनका क्या कहना है? उनका मतलब वही कहना है, आश्वासन आपके चल रहा है होगा, पर कब होगा? अभी बंदों की उम्र चलती जा रही है, कोई 36 क्रॉस कर दिया, कोई 40 क्रॉस कर दिया, वो क्या रेलवे की एग्जाम देगा या उसका परिवार का पेट पालेगा? या तो उसका घर की इतना कंडीशन नहीं है कि घर बैठे उन लोग को या उसके माँ बाप को बच्चों को खिलाएगा, वो खुद का पेट पालने के लिए जॉब भी करेगा। हम लोग अभी इतना प्रयास, बॉम्बे से मैं महाराष्ट्र आया हूँ, अभी मेरा प्राइवेट जॉब है, अब मैं यहाँ से जाऊँगा वो प्राइवेट जॉब वाला मुझे वापस लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, मतलब इसके बाद मैं वापस बेरोजगार हो गया, क्योंकि इसके लिए करना पड़ रहा है कि हम लोग को स्थायी जॉब चाहिए, हम लोग उसके लिए काबिल है, क्योंकि हम लोग ने रेलवे में अप्रेंटिसशिप किया हुआ है और हम लोग का अधिकार है अप्रेंटिसशिप के थ्रू हम लोग को जीएम पावर में परमानेंट करने का। क्या नाम है आपका? समाधान निकम। मैं महाराष्ट्र। किस कैटेगरी से हैं आप? मैं एससी कैटेगरी से। आपका क्या नाम? प्रसाद प्रवीण चित्ते। किस कैटेगरी से? ओबीसी। आप किस कैटेगरी से? एससी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ अधिकतर वही युवा हैं, एससी ओबीसी तमाम वो युवा हैं जो बेरोजगार हैं। रेलवे में तमाम तरह की विसंगतियां हैं, कहा जाता है कि रोजगार दे दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं जब धरातल पे आप देखेंगे तो युवा लगातार डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कुछ युवा तो इस कदर परेशान है कि नशे की ओर जा रहे हैं क्योंकि इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। माँ बाप लाखों लाखों रुपए लगा के बड़ी उम्मीद से पढ़ाते हैं कि युवा जो है हमारा बच्चा रोजगार करेगा, काम करेगा तो बुढ़ापा बनेगा, लेकिन आप देख सकते हैं युवा किस ओर जा रहा है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।